भारतीय किसान यूनियन ने धान घोटाले की जांच करवाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने भूकिया के प्रदेश अध्यक्ष गुनाम सिंह की अध्यक्षता में जिला सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन का कहना है, यदि हमारी मांगों पर जल्द ही सरकार गौर नहीं करती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेवार सरकार और प्रशासन की होगी। हमारा जो मुख्य मुद्दा था वो धान घोटाले को लेकर है, जिसके लिए हम सरकार को कई बार कह चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और सरकार से हमारी मांग थी कि इस घोटाले की जांच सीबीआई को दी जाए, जो नहीं दे रहे हैं। और वो हम ये कह रहे हैं कि बिहार के चारा घोटाले से कहीं बड़ा घोटाला है और आंकड़े ये बता रहे हैं, जो हमने आरटीआई सरकार से मांगी है उसमें 1,00,000 और 10,500 किसान करीब रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाई है अपने, के हमारे पास मोटा धान है लेकिन जो मंडी में धान बिका है वो 4,50,000 टन के करीब प्राइवेट को गया है और 64,40,000 टन सरकार को गया है, जबकि जो कुल धान पैदा हुआ है अगर प्राइवेट का उसमें से निकाल दें और कुल उत्पादन की हम बात करें तो फिर 25,00,000 टन के करीब उत्पादन हुआ और 4,50,000 टन प्राइवेट को चला गया, तो 20,00,000 टन के करीब हमारा जो धान है वो सरकार को गया। लेकिन सरकार के पास जो 64,00,000 टन धान आया वो कहाँ से आया? उस सारे की अर्थ भी गई, उस सारे की लेबर भी गई, उस सारे का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी उसका सेलर वाले ले गए, उसका कुटाई का खर्चा भी सेलर वाले ले गए, जो बिहार से उन्होंने चावल मंगा के वहाँ पर लगाया है और यहाँ की खरीद दिखाई है। और हमने सबूत सरकार को दिए हैं, कई आड़तियों का हमने उसमें आरटीआई के तहत मांग के वो बताया है कि एक भी क्विंटल पूरे साल में उनके पास कोई दूसरा अनाज नहीं आया लेकिन धान उसके पास 15,000 क्विंटल आ गया। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।